कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ लोगों का शौक होता है, और कुछ लोग ना बेवकूफ़ होते हैं। बेवकूफ़ी इसलिए कि सड़क पे गाड़ी खड़ी करी और कुछ कर दिया, आपके टायर की हवा निकाल दी, या आपके लिए लड़ने के लिए आ गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके के लोग भी हैं दुनिया में। और देखो मजबूरी क्या होती है, मजबूरी ये होती है कि भाई आप लाचार हो, आपके पास कुछ वो नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है, और आपके पास साधन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। तो आप एक जब इतने नवाब हो तो आप अपने दरवाजे पे एक नेम प्लेट लगा सकते हो, या एक प्लेट लगा सकते हो, उस पर लिखे कि भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी ना करें। ये है ना सर? जी तो वो हो गई मजबूरी कि भाई आपके पास जो है दिमाग नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पैरों में जंग लगी पड़ी है कि आप बाहर मार्केट में घूम नहीं सकते, और आपको ये नेम प्लेट का काम करा नहीं सकते। अगर आप नेम प्लेट लगवा देंगे या एक प्लेट लगा दी, उस पर लिख दिया कि यहाँ वाहन खड़े करना मना है, तो आज 21वीं सदी में लोग पढ़े लिखे हैं, और उसमें लोग ये देख लेंगे कि हाँ जी इन्होंने लिख रखा है यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें, तो कोई व्यक्ति आएगा गाड़ी लेके, तो वो हो सकता है 90% केसेस में लोग वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे क्योंकि नहीं करेंगे, समझदार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गई मजबूरी की बात। और एक होता है शौक, भाई हम तो नहीं लिखवाएंगे जी, लोग आएंगे गाड़ी खड़ी करेंगे, हम उनकी हवा निकालेंगे या उसके साथ कुछ गलत करेंगे या उनके साथ लड़ेंगे, तो ये होता है पुलिस शौक, पुलिस कंप्लेन करेंगे। पुलिस कंप्लेन करेंगे। तो ये हो गया शौक। तो लोगों को शौक होता है, अब वो किस वजह से शौक है वो नहीं पता, लेकिन शौक है। ऐसे भी लोग हैं जिनको शौक है, और हरियाणा में ये शौक ज़्यादा है। आप मेवात वगैरह में चले जाएंगे तो भाई शौकों में वो इनके भी बाप हैं। और एक होता है, एक तो हो गई मजबूरी, एक होता है शौक, और एक होता है बेवकूफ़ी। या तीसरे दर्जे के जो इंसान है वो बेवकूफ़ होते हैं, जो जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना आज, अब एक्सटिंक्शन ही हो गया, अब लुप्त हो गए, डायनासोर मिलेंगे नहीं। तो इसी तरीके से आज के डेट में बेवकूफ़ लोग हैं ना, वो है नहीं, वो ख़त्म हो गए हैं। तो बेवकूफ़ियत लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं है। आज बुद्धू से बुद्धू भी इंसान है ना, वो भी चालाक है, उसके पास भी दिमाग है, वो भी अपना सब कुछ कर लेता है। आजकल आप एकदम जो पागल इंसान है आप उसको भी छोड़ देंगे ना, तो वो भी आप 10 साल बाद जाएंगे तो देखेंगे वो पागल उसी हालात में है, लेकिन वो जी रहा है। अब 10 साल तक ऐसा तो नहीं है कि भाई 10 साल तक उसने खाना नहीं खाया, 10 साल तक उस वो नहाया नहीं, 10 साल तक उसने कपड़े नहीं पहने। तो इस चीज़ को देखते हुए ये पता चलता है कि यहाँ पे लोग बेवकूफ़ नहीं है, और भारत में तो बेवकूफ़ है ही नहीं। भारत तो खुद एक जगत गुरु है, और यहाँ पे हर एक इंसान जगत गुरु है। विश्व गुरु और जगत गुरु की जो बात है, हर एक इंसान के अंदर एक जगत गुरु है, और वो उससे इतना खुश है, प्रभावित है, कि वो अपने आप को किसी से नीचा मानता ही नहीं है। तो बेवकूफ़ तो है ही नहीं, तो तीसरा ऑप्शन तो वैलिड है ही नहीं। तो यही चीज़ वैलिड है कि या तो लोगों के पास मजबूरी है, किसी वजह से मजबूर है, या लोगों के शौक हैं। तो जो इस तरीके की जगहें हैं वहाँ पे लोगों का ज़्यादातर 70-80% केसेस में शौक होता है, और उन्हीं शौक की वजह से वो परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। आपने अपने दरवाजे के सामने नहीं लिखवाया कि गाड़ी खड़ी करना मना है, तो दूसरे आदमी के पास कोई दिव्य चक्षु तो नहीं है, वो कोई संजय तो नहीं है महाभारत का कि उसको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। वो किसी काम के लिए आया है, वो उसने गाड़ी खड़ी करी और चला गया, और उसके पीछे आप अब उसको ढूंढ रहे हैं आप मरीज़ की तरह कि भाई वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, और फिर ढूंढ के लाते हैं, फिर उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और हर रोज़ यही काम होता है, हर बार यही काम होता है, हर बार आप खुद परेशान होते हो और हर बार दूसरा भी परेशान होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक प्लेट लिखवा दी और उस पर लिखवा दिया कि गाड़ी खड़ी करना मना है यहाँ पे, तो वो आधे से ज़्यादा तो आपकी टेंशन ऐसे टल गई। लेकिन लोग टेंशन अपनी टालना ही नहीं चाहते हैं, लोग अपनी टेंशन टालना ही नहीं चाहते हैं, उनको तो शौक है लड़ने का भाई, जो भी रीज़न हो। बट आई डोंट सी इट एज आई सी दिस थिंग एज अ वेरी फुलिश एंड रिडिकुलस डिसीजन फॉर नॉट पुटिंग अ प्लेट एंड राइटिंग इट कि डोंट पार्क हियर, नो पार्किंग। ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लगवा लें, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप लोगों को एक दिमाग दिया जा रहा है कि घर के आगे अगर प्लेट लगवा लें, आप अगर इतने ही नवाब हैं तो आप प्लेट लगवा लें, ताकि दूसरे व्यक्ति को एक मैसेज चला जाए कि हाँ यहाँ पे पार्क ना करें, तो वो पार्क नहीं करेगा। आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मशक्क़त के, बिना किसी परेशानी के आपके घर के आगे गाड़ी पार्क नहीं होगी। तो ये एक अच्छा सा सुझाव है, यदि आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो
तो आपका शौक, आपको मुबारक, आप ज़िंदगी भर यूं ही परेशान रहें, दूसरों को परेशान करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देख लें कि हो सक एक हर एक शेर को शवा शेर मिलता है, तो कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जिससे लड़ने से आपको लेने के देने पड़ जाए, और वो ऐसा व्यक्ति हो जाए, आप किसी तरीके से वो आपको आहत कर जाए, कुछ आपके साथ गलत हो जाए, तो ऐसी ऐसे शौक का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे शौक धरे के धरे रह जाते हैं। जितने भी बड़े तुर्रम खान होते हैं या गैंगस्टर होते हैं, वो ऐसे ही मारे जाते हैं क्योंकि उनसे भी बड़ा कोई मिल जाता है। तो इंसानियत को बरकरार रखें, अपने दिमाग का सही उपयोग करें, शालीनता से बड़े आराम से काम करें और ये सुझाव मानें। आज के लिए इतना ही, और अगर ऐसे भी लोग हैं आपकी जानकारी में जो इस तरीके की एक्टिविटी में हैं और जो इनको कि लगता है कि नहीं वो इस तरीके से हैं और उनको उनको भी एक अच्छा सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो दिस इज़ द सोल्यूशन कि आप एक प्लेट लगवा लें, और अगर प्लेट नहीं लगवा सकते तो कई ऐसे ऑप्शंस हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसी कंपनीज हैं जो फ्री में प्लेट लगाती हैं, आपको पैसा भी नहीं खर्च करना, नो पार्किंग लिखते हैं लेकिन नीचे अपनी थोड़ी सी ऐड डाल देते हैं, तो वो काम भी करा सकते हैं। अब जैसे कोविड के केसेस में सबके घरों के आगे लगा दिया गया, कोविड क्षेत्र, कोविड क्षेत्र, कोविड क्षेत्र, इस तरीके से। तो इस तरीके के अगर लोग हैं आपकी जानकारी में तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हाँ कोई अच्छा बेहतर तरीका हो सकता है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो ज़िंदगी को आसान बनाने के इस तरीके की चीज़ों के सुझाव हम लगातार देते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कराएं, ताकि उनको भी इस तरीके की जानकारी मिल सके और उनका भी उद्धार हो सके। हम इस धरती पे उद्धार के लिए पैदा हुए हैं और इंसान होने का फ़र्ज़ है कि दूसरे इंसान की मदद करें, तो हम एक तरीके से मदद कर रहे हैं और सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ भला हो, यही हम आशा करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।